देखो, लास्ट मंथ का कार सेल्स रिपोर्ट सामने निकल कर आया है और टाटा ने अपना एक रिकॉर्ड भी बना दिया है, लेकिन हुंडई कार कंपनी बीच में आ गई। वो क्या मामला है उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो होने वाला है कंपनी वाइज कार सेल्स रिपोर्ट के ऊपर, यानी किस कार कंपनी ने जनवरी 2022 में कितने कारों को इंडिया में बेचा है। जो 14th नंबर की कार कंपनी आती है वो है सिट्रॉन। हालांकि सिट्रॉन कंपनी ने जनवरी 2022 में सिर्फ 40 कारों को इंडिया में बेचा है। इस कार कंपनी की सिर्फ एक कार बिकती है इंडिया में आज के डेट में, वो है C5 Aircross। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन सिट्रॉन कंपनी बहुत जल्दी इंडिया में अपनी पहली हैचबैक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम है C3 Aircross। इसको इंडिया में ऑलरेडी रिवील किया जा चुका है, इसको बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। उसके लॉन्च होने के बाद सिट्रॉन के सेल्स रिपोर्ट इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन दिसंबर 2020 में सिट्रॉन कंपनी ने सिर्फ 24 कारों को बेचा था। वही जो 13th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है जीप। जीप कंपनी ने जनवरी 2022 में टोटल 861 कारों को बेचा है, लेकिन दिसंबर 2021 में इसने 916 कारों को बेचा था। आज के डेट में जीप कंपनी इंडिया में कंपास को बेचती है, जिसको ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन इसका 7-सीटर वेरिएंट मई 2022 तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और इसी महीने जीप कंपनी ट्रेलहॉक को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। ये दो कारें इंडिया में लॉन्च होने के बाद जीप की कार सेल्स रिपोर्ट में ग्रोथ हो सकती है, लेकिन जीप कंपनी एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी के ऊपर भी काम कर रही है, जिसका नाम जूनियर रखा जा सकता है, जो कि कम्पीट करेगी नेक्सॉन के साथ, विटारा ब्रेजा के साथ, इसके अलावा मैग्नेट और सोनेट के साथ वो कम्पीट करने वाली है। ये तो आने वाला समय बताएगा। वही जो 12th पोजीशन पर कार कंपनी आती है वो है स्कोडा। पिछले महीने स्कोडा ने टोटल 3009 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन दिसंबर 2021 में स्कोडा कंपनी ने टोटल 3223 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर गिरावट देखी जा सकती है स्कोडा के कार सेल्स रिपोर्ट में एज अ कम्पेयर टू दिसंबर 2021, लेकिन इसका जो सेल्स रिपोर्ट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है जब से कुशक इंडिया में लॉन्च हुई है। स्कोडा के कुशक को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है इंडिया में, और अगले महीने स्कोडा कंपनी स्लेविया को भी इंडिया में लॉन्च करने वाली है हुंडई वेर्ना और हुंडा सिटी के सेगमेंट में। तो यहाँ पर स्लेविया के लॉन्च होने के बाद स्कोडा के सेल्स रिपोर्ट में इंप्रूवमेंट हो सकती है। वही जो 11th पोजीशन पर कार कंपनी आती है वो है फोक्सवैगन। फोक्सवैगन ने पिछले महीने टोटल 3523 कारों को बेचा था, लेकिन दिसंबर 2021 में 3700 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर स्लाइटली गिरावट देखी जा सकती है फोक्सवैगन के कार सेल्स रिपोर्ट में, लेकिन टाइगुन काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है, इसका सेल्स रिपोर्ट काफी अच्छा है, इसको भी इंडिया में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वही जो 10th पोजीशन पर कार कंपनी आती है वो है निसान। जब से निसान कंपनी ने मैग्नेट को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, तब से निसान का जो सेल्स रिपोर्ट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, और मैग्नेट एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। इसके अंदर भी काफी बढ़िया फीचर्स ऑफर करे जाते हैं, इसका लुक भी काफी बढ़िया है। दिसंबर 2021 में निसान कंपनी ने 3010 कारों को बेचा था, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ देखी जा सकती है जनवरी 2022 में। वही जो 9th नंबर की कार कंपनी आती है वो है MG। पिछले महीने MG कंपनी ने 4306 यूनिट्स को बेचा था पूरे इंडिया में, लेकिन दिसंबर 2021 में 2550 कारों को बेचा था पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर ग्रोथ देखी जा सकती है एज कम्पेयर टू दिसंबर 2021, लेकिन सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से MG कंपनी डिलीवरी नहीं दे पा रही है एस्टर के भी, इसके अलावा हेक्टर के भी। तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा प्रोडक्शन के अंदर। वही जो 8th नंबर की कार कंपनी आती है वो है टोयोटा। टोयोटा ने पिछले महीने 7328 यूनिट्स को बेचा है पूरे इंडिया में, यानी 7328 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में। इसके अलावा दिसंबर 2021 में टोयोटा ने लगभग 10833 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है टोयोटा का इंडियन ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट। हालांकि बहुत सारे लॉन्चेस पेंडिंग है टोयोटा के, आने वाले समय में टोयोटा कंपनी रूमियन को लॉन्च करने वाली है, इसके अलावा रेव4 को लॉन्च करने वाली है। रेव4 की टेस्टिंग पिछले 2 सालों से चल रही है, उसको इंपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा बेल्टा को लॉन्च किया जाना है, जो कि रिबैच वर्जन रहने वाली है सियाज का, लेकिन टोयोटा कंपनी किसी भी नए प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं ला रही है। तो ये एक मेजर रीजन हो सकता है टोयोटा के सेल्स रिपोर्ट में। वही जो 7th नंबर की कार कंपनी आती है वो है रेनॉल्ट। जब से काइगर इंडिया में लॉन्च हुई है, तब से रेनॉल्ट का भी सेल्स रिपोर्ट काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। इसके अलावा ट्राइबर भी इंडिया में काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो ओवरऑल रेनॉल्ट की ग्रोथ काफी बढ़िया तरीके से हो रही है। पिछले महीने रेनॉल्ट कंपनी ने 8119 यूनिट्स बेचे थे, यानी 8119 कारों को पूरे इंडिया में बेचा था। इसके अलावा दिसंबर 2021 में 6130 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर रेनॉल्ट के कार सेल्स रिपोर्ट में ग्रोथ देखी जा सकती है। वही जो 6th पोजीशन पर कार कंपनी आती है वो है होंडा।
पिछले महीने होंडा कंपनी ने 10,427 यूनिट्स को बेचा था पूरे इंडिया में, लेकिन दिसंबर 2021 में 7,973 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। और आज के डेट में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ होंडा सिटी बहुत ज़्यादा बिकती है पूरे इंडिया में, जो कि कम्पीट करती है वेरना के साथ। तो यहाँ पर होंडा को ज़रूरत है नए प्रोडक्ट को इंडिया में लाने की। और बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया है कि होंडा कंपनी एक मिड साइज एसयूवी के ऊपर काम कर रही है, जो कि कम्पीट करेगी क्रेटा सेल्टोस के साथ। अभी आने वाला समय बताएगा कि होंडा कंपनी इस कार को इंडिया में कब लॉन्च करती है। अगर होंडा कंपनी नए प्रोडक्ट्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करती है, तो ये जो सेल्स रिपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा जो फिफ्थ पोजीशन पर कार कंपनी आती है वो है किया। एक समय ऐसा था कि किया कंपनी थर्ड पोजीशन पर आती थी, लेकिन आज की डेट में किया की पोजीशन है फिफ्थ नंबर की। लास्ट मंथ किया कंपनी ने 19,319 यूनिट बेचे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है वो स्लाइटली नीचे आ रही है, और यहाँ पर सोनेट और सेल्टोस थोड़ी सी अच्छी खासी बिक रही है पूरे इंडिया में, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ नहीं देखी जा सकती। जिस तरह से टाटा कंपनी ने इम्प्रूवमेंट करी है अपने सेल्स में, तो उस तरीके से यहाँ पर किया की ग्रोथ नहीं हो रही है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, मेजोरिटी ऑफ रीजन सेफ्टी हो सकता है। वही जो फोर्थ पोजिशन पर कार कंपनी आती है वो है महिंद्रा। पिछले महीने महिंद्रा ने टोटल 19,860 कारों को बेचा था, लेकिन दिसंबर 2021 में 17,476 यूनिट्स को बेचा था। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर XUV700 के ऊपर भी वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा थार के ऊपर आपको लगभग एक साल से भी ज़्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, और महिंद्रा कंपनी कारों की डिलीवरी नहीं दे पा रही है। और इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रुका हुआ है सेमी कंडक्टर की वजह से। उसकी वजह से बहुत सारे मतलब लोग हैं वो वेट कर रही है, और XUV700 को 1,00,000 के ऊपर भी बुकिंग्स मिले हैं। अगर सेमीकंडक्टर का इश्यू सॉल्व हो जाता है, तो महिंद्रा कंपनी सेकंड या फिर थर्ड पोजीशन पर आराम से आ जाएगी सेल्स रिपोर्ट में। इसके अलावा जो थर्ड पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है टाटा। पिछले महीने टाटा कंपनी ने 40,780 कारों को बेचा था, और ये टाटा का आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी है। इतने ज्यादा यूनिट तो कभी टाटा ने बेचे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर टाटा की पोजीशन आप 3 नंबर पर देख सकते हैं। दिसंबर 2021 में टाटा ने लगभग 35,300 यूनिट्स को बेचा था पूरे इंडिया में, और यहाँ पर आप ग्रोथ देख सकते हैं टाटा के सेल्स रिपोर्ट में जनवरी 2022 में। तो यहाँ पर आने वाले समय में डेफिनेटली टाटा और ग्रोथ हासिल करेगी। पर्सनली मुझे टाटा की हायरियर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको टाटा की कौन सी कार अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वही जो सेकंड पोजीशन पर कार कंपनी आती है जिसने थोड़ा सा कमाल किया है वो है हुंडई। हालांकि पिछले कुछ सालों से हुंडई कंपनी सेकंड पोजीशन छोड़ती नहीं थी, लेकिन दिसंबर 2020 हुंडई थर्ड पोजीशन पर आई थी और टाटा सेकंड पोजीशन पर आई थी। ये थोड़ा सा उल्टा हुआ था दिसंबर 2020 में, लेकिन इस महीने फिर से वो चीज़ हो गई जो पहले होती थी। टाटा थर्ड पोजीशन पर आ गई और हुंडई सेकंड पोजीशन पर आ गई। हुंडई कंपनी ने पिछले महीने 44,022 यूनिट्स को बेचा है, लेकिन यहाँ पर आपको 4,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा टाटा के सेल्स रिपोर्ट में और हुंडई के सेल्स रिपोर्ट में। जो नंबर वन पोजीशन पर कार कंपनी आती है जो हमेशा रहती है वो है मारुति सुजुकी। पिछले महीने मारुति सुजुकी कंपनी ने 1,37,336 यूनिट्स को बेचा है, और इसका जो सेल्स रिपोर्ट है वो एक बार फिर 1,00,000 के ऊपर है। तो यहाँ पर ये सेल्स रिपोर्ट है, यहाँ पर कुछ कार कंपनियों के सेल्स रिपोर्ट में ग्रोथ देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ कार कंपनियों को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर नए प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करने की जरूरत है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।